तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है पारा बदीना यानी कि यहाँ पर वगैरह का सीन है जो कि काफी भयानक होने वाला है और हाँ आप यहाँ पर यह भी सोच रहे होंगे कि इस टाइटल का आखिर मतलब क्या है तो इसका मतलब है वुमेन फॉलोइंग द डेवल उम्मीद करता हूँ की आपको ये पसंद आएगी क्योंकि इंडोनेशियन मूवीज तो बढ़िया होती ही है इस मूवी को डायरेक्ट किया है राको प्रिजांतो ने और इससे पहले मैंने एक और काफी बेहतरीन इंडोनेशियन मूवी को एक्सप्लेन किया था जो कि रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है है तो तो अगर आपने उसको मिस कर दिया तो जाकर जरूर देखना उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और हाँ आज आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और कमेंट भी करना पड़ेगा कोई भी चोरी नहीं करनी है सबको कॉमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ तो मूवी की शुरुआत होती है सूमी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो कि अपने गांव के किसी फॉरनर डॉक्टर फ्रेडमैन के पास में जाती है और उनसे कहती है कि उसके फादर के पैर का पेन बहुत ही बढ़ गया है और वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में है। अब डॉक्टर सुमी के साथ उसके घर पर आते हैं तो उसके फादर कारतो के पैर में नी के नीचे के साइड पर एक घाव होता है जिसका इलाज बहुत टाइम से चल रहा था लेकिन उसके अंदर कोई भी आराम नहीं आता उल्टा वो अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और बहुत ही ज्यादा सड़ चुका था जिससे की डॉक्टर उसे काट कर अलग कर देते हैं और कार्तो को पेन किलर देकर वहाँ से निकल जाते हैं खैर अब सुमी अपने फादर से कुछ बात करती है और वो उससे बोलते हैं कि उसने कटा हुआ पैर दबाया या फिर नहीं यानी कि बैरी किया या फिर नहीं क्योंकि ये पैर उनके लिए कर्स है जिसको वो जल्दी ही बैरी कर दे जिस पर सुमी कहती है की वो अभी घर की सफाई करेगी उसके बाद में वो पैर को मिट्टी में बैरी कर देगी और तब तक के लिए वो पैर को घर के फ्रीजर के अंदर ही रख देती है खैरा बगले सीन में हम सुमी को उसके फ्रेंड साबिर के साथ में देख पाते हैं जहाँ पर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और सुमी बोलती है कि उसके फादर जल्दी से ठीक हो जाएं जिसके बाद में वो एक गांव छोड़कर सिटी चली जाएगी और अपनी माँ और भाई अहमद को ढूंढेगी जिस पर साबिर कहता है की वो भी उसके साथ चलेगा उसकी मदद करने के लिए वो दोनों अब थोड़ी और बात करते हैं जहाँ पर सुमी अपने फादर की गुलाई यानी की डिश शॉप को रीओपन करने की बात कही थी जिस पर साबिर उसको कहता है की वो उसके बॉस मिमिन ऐसी हेल्प मांग सकती है जो की उसकी मदद कर देंगे मटीरियल या फिर पैसों ऐसी अब वो दोनों मिमिन के पास जाते हैं जहाँ पर सुमी किसी को गोट बुचर करता हुआ देख लेती है उससे सीखने का ही बोलती है और फिर वो मिमिन से बात करने जाती है जो की उससे थोड़ी बहुत गलत बातें करता है और अब वो वहाँ से निकल जाती है खैर अब वो अपने घर पर आती है तो कार तो का पैर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा था और काफी इन्फेक्शन भी बढ़ चुका था यानी कि लेग काटने का भी कोई फायदा नहीं हुआ जिससे कि वो सुमी को डॉक्टर फ्रेडमैन को बुलाने भेज देता है लेकिन सुमी कहती है कि डॉक्टर किसी के साथ कहीं पर जा रहे थे तो वो वापस घर आकर सो जाती है अब तभी उसे एक सपना आता है जिसके अंदर वो एक अजीब से आदमी को देखती है जो की पूरी तरह सफेद था उसके दांत और नाखून बड़े थे साथ ही उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और ये कोई आम आदमी नहीं था बल्कि ये डीमन किंग है है जो सुमी को बुलाने लगता है। अब तभी उसकी नींद खुलती है तो उसके पिता उसको बुलाते हैं जिसे बहुत ही दर्द हो रहा था और वो खाने को मांगते हैं लेकिन घर के अंदर कुछ खाने को नहीं होता जिससे कि वो उसको बुरा भला बोलने लगते हैं कि उसे काम करना चाहिए कमाना चाहिए उनकी सेवा करनी चाहिए वो कहती है कि वो सब कुछ कर रही है अपनी जवानी को वेस्ट कर रही है पर गुस्से में वो उससे कहते हैं कि उसे भी अपनी माँ की तरह ही भाग जाना चाहिए था और वो दोनों को ही पसंद नहीं करता जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो थोड़ी सी हाथापाई भी कर लेती है खैर अब वो रूम से बाहर आती है तो उसे वहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई देता है जो की उससे कहता है की वो उस पर बहुत वक्त से नजर रख रहा था और उसकी हर दिक्कत का सोल्यूशन उसके पास है जिससे सुमी काफी डरने लगती है और वो उसकी एक फिंगर कट करके खा जाता है लेकिन कुछ ही पलों में उसकी फिंगर वापस आ जाती है यानी कि एक काइंड ऑफ अ डील या फिर पैक था खैर वो सूमी से कहता है कि वो सिर्फ उसका दोस्त बनना चाहता है और वो उसे उसकी मदर का फ्यूचर दिखाता है जिसके अंदर वो सूमी के पास वापस आ चुकी हैं और वो घर का ख्याल रख लेंगी जिससे कि सूमी अपनी जवानी अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाएगी और इस विजन के बाद में कहता है कि ये सच हो सकता है अगर सूमी उसकी दोस्त बन जाए तो जिस पर वो मान जाती है और अब वो उसे उसके फादर का ही पैर खिलाने का बोलता है और कोई लिक्विड भी देता है जो की उस डिश के अंदर वो डाल दे और सबसे बड़ी बात कि सूमी उसकी बातों में आ जाती है और वैसा ही करती है वो उसके फादर के ही पैर के मीट से कोई डिश बनाती है और वो लिक्विड मिक्स करके उनको वो खिला देती है जिन्हें वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है खैर वो अपना काम निपटा कर बाहर आती है तो उसे वहाँ पर साबेर से पता चलता है कि गांव की एक लड़की गायब हो गई है और वो लोग उसे ढूंढने जा रहे हैं और उस लड़की की बॉडी गांव के पास हिल के नीचे ही मिलती है जो कि बॉटम साइड नेकेड थी और उसके सर के ऊपर गहरा घाव था जिससे उसकी जान चली गई थी अब अगले सीन में उस लड़की का फ्यूनरल होता है और इस लड़की का नाम निंगरूम था जिसकी बहन सारी अपनी एक लौती छोटी बहन को खोने से बहुत ही ज्यादा दुखी थी और वो काफी गुस्से में थी यहाँ पर सोमी भी फ्यूनरल देखने आई हुई थी और वो यहाँ पर डॉक्टर को देखती है है जिनसे वो कहती है कि उसके फादर के पैर का पेन बहुत बढ़ चुका है और उसको नए पेन किलर चाहिए और वो उन्हें अपने घर पर ले जाते हैं अब रात को हम सारी को देखते हैं जिसे के विजन आते हैं और उसकी उसकी स्पिरिट दिखाई देती है है जो कि उससे कहती है कि वो उसकी मौत का बदला ले खैर तभी हमें सोमी को दिखाया जाता है जो की अपने घर पर सो रही थी जिसके पास में इबलिस आता है और फिर से उससे वही मैनुपलेटिव बातें करने लगता है यानी की उसको बहुत ही ज्यादा फसाने लगता है अपनी बातों में कि वो उसको फ्रीडम दे देगा उसको आजादी देगा जो वो चाहेगी उसको मिल जाएगा और वो उसके सारे के सारे ऑफ़र्स को मान ले और इस बार उसे निन ग्रूम की लाश को खोदना होगा सूमी वैसा ही करती है और निन्न ग्रूम की बॉडी को घर लाकर उसके चेस्ट वाले एरिया को उबाल देती है यानी कि उसकी डिश बनाकर अपने ही फादर को फीड कर देती है लेकिन वो यहाँ नहीं रुकती बल्कि वो अपने डिश शॉप को ओपन करके गाँव के लोगों को निन्ग्रूम की बॉडी के मीट को ही सर्व करने लगती है और किसी को पता भी नहीं चलता सबको ये काफी टेस्टी लग रहा था खैर अब तभी वहाँ पर ये खबर आती है की निन ग्रूम की बॉडी गायब है जो की सूमी ने ही ले ली थी खैर वो साबेर के साथ में उसी स्पॉट पर जाती है जहाँ पर निन ग्रोम की बॉडी दफन थी जहां पर सारी बहुत ही ज्यादा गुस्से में सबसे पूछ रही थी की ये बॉडी किसने ली है अब यहाँ पर सुमी ने जो कुछ भी किया था वो इबलिस के इन्फ्लुएंस में आकर किया और अब वो अपने सेंसेस में आती है और कांपने लगती है वो वहाँ से भाग जाती है और उसकी हालत काफी खराब थी उसे उल्टियां होने लगती है जिसके पीछे साबेर भी घर तक आ जाता है अब इबलिस फिर से सुमी के पास आकर उसे मैनुपलेट करने लगता है और उससे कहता है कि वो उसे इंटरनल लव और हैप्पीनेस दे देगा और वो इस गांव से जाना चाहती है तो वो जा भी सकती है लेकिन उसे आखिरी टाइम मीट सेल करना होगा पैसों के लिए और ये मीट इस बार एकदम फ्रेश होना चाहिए और इसके लिए वो साबेर को ही यूज कर सकते हैं जो की सूमी का साथ देने का नाटक करता है और असल में उसका फायदा उठाना चाहता है यानी की इबलिस यहाँ पर उससे उल्टी सीधी बातें कह रहा था और वो सूमी को उसकी लाइफ उसके ड्रीम खराब होने की धमकी भी देता है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी फ्रीडम छीन लेगा जिससे वो अपनी मदर को फिर कभी नहीं ढूंढ पाएगी खैर अब तक वहाँ पर साबेर भी आ जाता है जो कि इब्लिस को नहीं देख पा रहा था क्योंकि इब्लिस को वही देख सकते हैं जिसके द्वारा उसको चुना जाए और तब तक उसको ही खत्म करने की बात सूमी से बोल देता है यानी कि उसे साबिर का ही मेट चाहिए था अब साबिर से बात करके गांव छोड़ने की बात करता है और वो वो उसकी बात भी मान लेती है है अपना सामान पैक करने लगती है और साबिर बाहर चला जाता है तभी सुमी को फिर से इब्लिस मैनुपलेट करने लगता है और अब वो खुद को संभालती है और उससे कहती है की वो उसके कान में ये इविल बातें करना बंद कर दे और अब वो उसके साथ एसोसिएट रहना नहीं चाहती यानी की उसकी दोस्त बनना नहीं चाहती खेरा वो बाहर आती है लेकिन उसके किचन में चला गया था जहाँ पर उसको वो फ्रीजर रखा हुआ मिलता है और उसके अंदर उसे निन ग्रूम की लाश मिल जाती है जिससे की यहाँ पर सुमी को आकर उसे बेहोश करना पड़ता है खैरब होश आने पर साबिर सुमी से कहता है की वो उसके साथ कुछ न करे वो उसको बहुत प्यार करता है उसके साथ यहाँ से जाना चाहता है लेकिन इबलिस यहाँ पर सुमी को फिर से मैनुपलेट करता है की वो झूठ बोल रहा है और उसके बॉस ने उसे सूमी की डिश की रेसिपी पता करने भेजा था और अब सुमी काफी गुस्से में आ जाती है और जैसा कि इबलिस ने कहा था तो वो यहाँ पर साबेर की बॉडी के टुकड़े कर देती है है। और अपनी शॉप की डिश के लिए इस्तेमाल करने लगती है लेकिन ऐसा करते हुए उसके डैड ये सब देख लेते हैं जिन्हें वो कहती है की वो ये सब उसके और खुद के लिए कर रही है ताकि वो फ्री हो पाए लेकिन वो वो उसकी बात नहीं सुनते तो वो पीट कर बेहोश कर देती है इधर दूसरी ओर हम सारी को देख पाते हैं जिसको फिर से अपनी बहन की स्पिरिट दिखाई देती है जो की उसे एक ब्रेसलेट देती है जिस पर कोई नाम था जो की होता है चंपा का यानी कि एक हिंट था कि उसके किलर तक कैसे पहुंचा जाए खैरब अगले दिन सारी चैपाका को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंचती है तो ये ब्रेसलेट असल में असी चम्पाका नाम की एक अजीब सी लेडी का था जो कि एक शेमन टाइप की लेडी थी और वो उस ब्रेसलेट को देख कर कहती है कि ये उसका ही है जिसे उसने चुराया होगा और वो उल्टा उस पर ही गुस्सा करने लगती है और उसका बेटा जो की डिफोर्म्ड और स्पेशल है वो सारी को थोड़ा कुछ मार भी देता है जिससे कि वो वहां से चली जाती है लेकिन असी को ब्रेसलेट वापस मिल गया था और वो अपने बेटे पर गुस्सा करती है कि ये ब्रेसलेट उसने चोरी करके निग्रूंग को दिया होगा लेकिन यहाँ पर निनग्रूम का इससे क्या रिश्ता था तो यहाँ पर इस बारे में तो थो हम थोड़ी देर में जान पाएंगे अब रात को सारी घर पर सो रही होती है जिससे भी वही इबलिस का ड्रीम आता है जिससे वो जाग जाती है और अब वो उसके पास में आता है और सारी का उससे पहले से रिश्ता था वो कहता है की सारी ने उससे क्या डील की थी वो भूल गई है जब बचपन में उसकी बहन निनग्रूम बीमार थी मरने के करीब थी तब उसने उससे अपनी फ्रीडम का सौदा किया था जिसके बदले में उसने निनग्रूम को ठीक कर दिया था जब समय बीतने पर सारी ने उसको बुलाया और आगे बढ़ गई और अब निनग्रूम खत्म हो चुकी है तो उसके लाइफ का कोई मकसद नहीं है तो वो अपना बॉक्स निकाल ले जो की उसने छुपा रख दिया था और वो जो करती है वो वापस से करने लगे सारी अब थोड़ी परेशान हो जाती है और बाहर कुएं से पानी लेने जाती है तो पानी अपने आप खून से भर जाता है और बाकी चीजें भी उसको हॉन्ट करती हैं। इबलिस उससे कहता है कि उसे अपनी बहन का बदला लेना चाहिए और उसकी स्पिरिट भी यही बोल रही थी और अब सारी भी तैयार हो जाती है जो की अपने छुपाए हुए बॉक्स को निकालती है जिसके अंदर इबलिस का लॉकेट और ब्लैक मैजिक और रिचुअल की बहुत सारी चीजें थी और असल में सारी एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेमन रही थी पिछले वक्त में जिसे डायरेक्ट इबलिस का ही साथ मिला हुआ था और इब्लिस को बुलाने वाली वही थी उसने ही उसको बचपन में आजाद किया था और अब वो फिर से उसी रास्ते पर आ चुकी है और सबसे पहले तो जिसने निनग्रूम को खत्म किया था वो उस पर ब्लैक मैजिक करती है की वो जो कोई भी है वो खत्म हो जाए और हम तभी देखते हैं की असी चैंपाका का बेटा बहुत बुरी तरह से मारा जाता है उसने ही निनग्रूम के साथ में गलत करके उसको मार दिया था और असी चैंपाका गायब हो गई थी खैर अब तभी हम सुमी को देख पाते हैं जो कि अपनी शॉप चला रही होती है और यहाँ पर मिमिन भी आया हुआ था जिसे कार की हेल्प की आवाज सुनाई देती है लेकिन सुमी उससे झूठ बोलकर उससे मिलने से रोक देती है है और खुद जाकर कार्तकों को पीटकर बेहोश कर देती है और उसे दूसरी जगह बांध देती है अब हम सारी को देख पाते हैं जिसके पास असी चैंपा का आती है और उसे एक ब्रेसलेट देते हुए कहती है कि ये इबलिस ने उसको देने के लिए कहा था और अब सारी आगे की चीजें समझ जाती है कि निन ग्रूम की वो दोषी नहीं है उसने ऐसा कुछ नहीं किया और जो कुछ किया था वो उसके बेटे ने किया अब हम सुमी को देख पाते हैं जो कि गांव छोड़ने की तैयारी में थी और एब्लिस उससे कहता है कि उसे अपनी मदर के बारे में पता करना चाहिए जो कि उसे इसी घर से पता चलेगा सुमी अब अपने पिता के पास में जाती है जो कि उसे बेहोश करके भागने की कोशिश करने लगता है तभी हम सारी को देखते हैं जो की डॉक्टर के घर पर थी और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के थोड़े से असली पत्ते असल में होता यह है कि जो डॉक्टर फ्रेडमैन होता है ना वो गरीबों से नफरत करता था और उसे निनग्रूम से भी चिड़ थी जिसे रास्ते से हटाने के लिए उसने असी के बेटे का इस्तेमाल किया जो कि मेंटली वीक तो था ही और वो निनग्रूम को चाहता भी था अब असी का जो बेटा होता है ना उसके अकॉर्डिंग लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी और ऐसा उसने अपनी मां से ही सीखा था और फ्रेडमैन ने उसको जान लेना सिखा दिया था और इस तरह से उस दिन उसने पहले निंग्रूम को ब्रेसलेट देकर उसके साथ गलत करने की कोशिश करी लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसने उसको खत्म कर दिया और उसके साथ में गलत काम किया और अब सच पता चलने पर सारी फ्रेडमैन को कन्फ्रेंट करने आई थी जो की अपनी मेड के साथ उस पर अटैक करता है लेकिन वो अपनी पावर से उन दोनों को बुरी तरह खत्म करके वहाँ से चल देती है यानी की डॉक्टर ने अपने पर्सनल ग्रज वजह से यहाँ पर असी के बेटे का इस्तेमाल किया जो कि काफी मेंटली वीक था खैर अब सूमी को देखते हैं जो कि कारतो को ढूंढ लेती है और उसे बांध कर उससे उसकी माँ के बारे में पूछती है जिस पर वो कहता है कि वो अपने लवर के साथ भाग गई थी उसने उसको कई बार बताया जिस पर वहाँ पर खड़ा हुआ सूमी को बोलता है की ये झूठ बोल रहा है और अब सूमी सख्ती से बार बार उससे पूछती है तो यहाँ पर वो सारी सच्चाई बताता है की असल में उसका अफेयर हो गया था असी चम्पाका से और उसको सूमी की मदर पसंद नहीं थी उसने तो अपनी माँ की जिद पर शादी करी थी और वो प्यार असल में असी से करा करता था और वक्त बीतने पर उसका असी के साथ में एक बच्चा भी पैदा हुआ था जो और स्पेशल था यानी वही लड़का सूमी की माँ ने भी बच्चे को जन्म दिया था लेकिन उसे कारतो के अफेयर के बारे में पता चल गया और एक झगड़े में वो घर छोड़ने को तैयार थी लेकिन गुस्से में कारतो ने उसे खत्म कर दिया और उसे अपने ही घर में उसके ही रूम में बैरी कर दिया था जी हाँ यानी कि उसकी माँ कहीं भागी नहीं थी बल्कि उनको तो मार कर यहीं पर दबा दिया गया था अब देखो यहाँ पर जो कुछ भी इब्लिस कर रहा था उसमें तो उसका ही फायदा था लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर सुमी को सारी सच्चाई पता चल गई थी अब सुमी सब सुनकर टूट जाती है जो उसका सपना था अपनी माँ को वापस पाने का और अब वो गुस्से में कारतो की जीप काट कर उसे स्टैप करके खत्म कर देती है अब वो रूम को डिग करती है और उसे अपनी माँ की बॉडी भी मिल जाती है वो कारतो को खत्म करके उसकी बॉडी को वही पर बैरी करके वहाँ पर सबको छोड़ कर जाने की तैयारी करने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर आती है अपनी बहन की बॉडी ढूंढने के लिए जिसकी हालत ने क्या करी थी हम जानते हैं और अब वहां पर असी भी आ जाती है और कारतों के बारे में पूछने लगती है अब आप देख रहे हो यहाँ पर ट्रायंगल जो बन रहा है यानी कि यहाँ पर सुमी वो है जिसको इबलिस ने खुद चुना है और बाकी की जो दो लेडीज हैं यानी कि सारी और असी ये दोनों यहाँ पर शेमन हैं जिनको इबलिस का साथ मिला हुआ है यानी कि ये तीनों ही इबलिस के द्वारा कनेक्टेड हैं और इन तीनों के पास में ही एक दूसरे को मारने का मकसद भी है और अब आगे यहाँ पर क्या होगा ये तो हमें मूवी के अगले पार्ट में ही पता चल पाएगा कि वो तीनों एक दूसरे को खत्म करेंगी या फिर एबलिस कुछ बड़ा करना चाहता है और मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पर एबलिस का जो मकसद है वो इस पूरे गाँव पर तबाही लाना और पूरी धरती को खत्म करना चाहता है इन तीनों की मदद से और बोम इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों ये थी पारा बतीना पैंगित मूवी की कहानी उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी देखो मूवी जो है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर मतलब यहाँ पर ऐसा सस्पेंस बिल्डअप करा गया है कि इसका अगला पार्ट भी आना चाहिए बाकी देखो मूवी को अगर आप डिटेल से समझोगे अच्छे से समझोगे तो आपको मूवी अच्छी लगेगी लेकिन अगर आप इसको ऊपर ऊपर से देख लोगे तो आपको मूवी पसंद नहीं आएगी लेकिन मुझे तो अल्टीमेटली मूवी पसंद आई है क्यूँकी इंडोनेशियन मूवीज मेरी काफी फेवरेट है तो उम्मीद करता हूँ की आपको भी ये पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल के ऊपर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख पूछ सकते हैं तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए स्टे